गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, टीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी में लगे होंगे। और इसी के साथ हम यूपी पुलिस के लिए या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए आज एक टॉपिक लेके आए, नया टॉपिक है जो होगा आपके लिए डिस्काउंट। ठीक है, क्या होगा जो डिस्काउंट होगा, तो चलिए डिस्काउंट शुरू करते हैं। ये डिस्काउंट की पहली क्लास हो गया, डिस्काउंट क्लास नहीं है, फर्स्ट होगी। ओके, डिस्काउंट की पहली क्लास होगी। ओके चलिए, तो भैया पहले डिस्काउंट पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लीजिए, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट होती है। डिस्काउंट का मीन्स क्या होता है? छूट होती है, यानी कि आप कोई सामान लेने जाएंगे मार्केट में तो उसका एमआरपी मूल्य होता है, यानी उसके रैपर पे जो डला होता है वो एमआरपी मूल्य होता है। तो आपको कोई भी दुकानदार एमआरपी पे डिस्काउंट देता है, कभी भी सीपी पे डिस्काउंट कोई नहीं देगा, यानी कि वो अतिरिक्त मूल्य उस पर डाल के रखते हैं जिस पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है, और आपको डिस्काउंट देगा साथ ही वो भी उसमें लाभ कमाएगा। तो लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि इसके वास्तविक मूल्य जो है, लागत मूल्य कितना है, आपको केवल एमआरपी दिखाई देता है, तो एमआरपी पे ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो देखिए, डिस्काउंट पढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले एमआरपी। ओके, एमआरपी होगा यानी कि अंकित मूल्य होगा। सेकंड नंबर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये सीपी, ये सीपी आप सही जानते हो कि हमेशा कितना होता है वास्तविक मूल्य में, 100% होता है, ये वास्तविक मूल्य होता है, लागत मूल्य, इसकी किसी वस्तु को प्रोडक्ट करने में जो उसमें लागत होती है वो 100% मानी जाती है, सीपी यानी एमआरपी, सेलिंग प्राइस और ये सीपी। और देखिए यहां आपको वो देगा डिस्काउंट, क्वेश्चन जो भी कराएगा उसमें आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट परसेंट दिया जाएगा कि इतने परसेंट का डिस्काउंट है। तो भाई डिस्काउंट आपके देखिए दो डिस्काउंट भी दे सकता है, ठीक है, डिस्काउंट दो भी दे सकता है। अब डिस्काउंट देने पर लाभ या हानि भी वो प्राप्त करेगा, या तो लाभ होगी या हानि होगी, अधिकतर लाभ ही होता है। वो डिस्काउंट इतना ही रखा जाता है कि जिसको दुकानदार को या किसी विक्रेता को लाभ भी मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो चलिए भैया देखिए, डिस्काउंट दो अगर दे रखे हो, जैसे क्रमिक डिस्काउंट बोलते हैं, क्रमिक बट्टा बोलते हैं, तो उसके समतुल्य बट्टा क्या होता है पहले हम वो सीखेंगे। ओके, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, तो समतुल्य बट्टा क्या होगी, दो अगर क्रमिक बट्टे दे रखे हैं, मान लीजिए एक दे रखा है ए डिस्काउंट और दूसरा दे रखा है बी डिस्काउंट, तो इन दोनों की समतुल्य बट्टा कितना होगा, तो कैसे करेंगे भैया देखिए, ए प्लस बी यानी कि ए डिस्काउंट प्लस बी डिस्काउंट माइनस ए इंटू बी अपॉन के 100। यहां भैया जो मध्य में जो चिन्ह है हमेशा कैसा रहेगा, वो माइनस का ही रहेगा, कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा, यानी 2% वैल्यू दे रखी होंगी, सॉरी 2 डिस्काउंट वैल्यू दे रखी होंगी, और उन दोनों के बराबर एकल बट्टा आपको ज्ञात करना है, यानी कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लीजिए इसके लिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 10% और 20% क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा, के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ओके भैया, यानी दो बट्टे दे रखे आपको, दो डिस्काउंट 10% और 20%, इन दोनों की समतुल्य बट्टा कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भैया, ये फॉर्मूले से आप इसको समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस बी की वैल्यू भैया 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइड बी कितना है 100 है। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए ये दोनों जीरो इस प्रकार से कैंसिल हुई, 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, माइनस 1 इंटू 2 करने कितना आएगा 2 रहेगा, तो कितना आ जाएगा भैया हमारा समतुल्य बट्टा 28% हो जाएगा, यानी 10 और 20 दो क्रमिक बट्टों के
हमने अगर समतुल्य बट्टा ज्ञात किया तो कितना हो गया वो 28% हो गया। कितना हो गया भैया 28% हो गया। चलिए मान लीजिए अगर आपको तीन डिस्काउंट दे रखे हैं, तीन क्रमिक डिस्काउंट दे रखे हैं और उनके लिए आपको समतुल्य बट्टा पूछा है तो क्या करेंगे भैया इसी फॉर्मूले का दो बार प्रयोग करेंगे, इसी फॉर्मूले का दो बार प्रयोग करेंगे, यानी किन्हीं भी दो डिस्काउंट को लेकर उनके समतुल्य बट्टा निकालेंगे। फिर जो तीसरी वैल्यू दे रखी है उसको और जो समतुल्य बट्टा हमने निकाला है उन दोनों को ले लीजिए। ठीक है हाँ, तो देखिए यानी 10% 20% और भैया 30% क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा आपसे पूछा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। ओके ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भैया, तो देखिए जिस प्रकार से हमने 10 और 20 दो क्रमिक बट्टों को लेकर के ये कितना ज्ञात किया 28% ज्ञात किया, तो इसका मतलब इन दोनों डिस्काउंटों से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी भैया वो कितनी प्राप्त होगी 28% प्राप्त होगी। यानी एक बार हमने इस फॉर्मूले का यूज किया लेकिन अभी ये एक डिस्काउंट रह गया तो इसको भी लेना है, तो एक बार से फिर ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप। यानी एक बार ये समतुल्य बट्टा जो ज्ञात कर लिया वो और प्लस के जो तीसरा डिस्काउंट दे रखा है तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 28 + 30 - 28 × 30 और अपॉन 100। ओके भैया, तो देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ओके 28 × 3 करेंगे, देखिए 28 और 30 को पहले आप ऐड कर दीजिए, 8 और 0 8 ही रहेगा, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है 58 हुआ। अच्छा माइनस देखिए भैया 28 × 3 करने पर कितना जाएगा 84 और 84 को हम भाग देंगे 10 से तो कितना 8.4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 58। देखिए इससे भाग देंगे तो कितनी बार 8.4, ठीक है तो माइनस के 8.4। तो देखिए भैया 58 में से जब आप 8.4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया ये हो जाएगा आपका 49.6%। कितना भैया 49.6% हो जाएगा। ओके चलिए चलिए थोड़ा सा यहां नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर लिख देते हैं कितना हो जाएगा ये 49.6% हो जाएगा, यानी 58 में से 8.4 घटाने पर। ठीक भैया ये आप समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं ये चीज आप सीखें। ठीक है चलिए आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखिए मैं सभी क्वेश्चन वही लूंगा जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो कि यूपी पुलिस 2018 और 2019 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, ये नोट कर लीजिए भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है भैया एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कोई दुकानदार है वो क्रय मूल्य से भैया अधिक अंकित करता है 20% तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया उसने 20% अधिक मूल्य डाला हुआ है, ठीक है 20% का अधिक मूल्य डाला हुआ है क्रय मूल्य से, तो आप क्रय मूल्य देखिए ये रेसिपी आप 100 रुपए मान लीजिए, कितना मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपए मान लीजिए, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 20% अधिक डाला है, कितना 20% ज्यादा डाला है, तो ये 20% ज्यादा डाला है तो कितना हो जाएगा भैया 120 रुपए हो जाएगा। अब वो आपको एमआरपी पर डिस्काउंट दे रहा है, एमआरपी पे 10% की छूट देता है, ठीक है भैया 10% की छूट देता है, तो देखिए एमआरपी है तो यानी कि जब वो बेच रहा है तो किस प्रकार से बेच रहा है एमआरपी पर 10% की छूट देगा, एमआरपी पर 10% छूट देगा, तो देखिए एमआरपी 120 है, यदि आप इस पर 10% छूट देंगे तो इसका मतलब इस वैल्यू का आप 90% ग्राहक से लेंगे, 90% कस्टमर से प्राप्त करेंगे क्योंकि 10% की आपने छूट दे दी, तो 100 - 10 कितना भैया 100 - 10 और डिवाइड में 100
तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 90 अपॉन के 100, ठीक है। तो कितना हो गया भैया 108 हो गया, क्या हो गया 108 हो गया। यानी कि उसने पूछा है आपसे कि उसने लाभ परसेंट कितना कर लिया, लाभ परसेंट कितना प्राप्त कर लिया। तो देखिए वास्तविक मूल्य तो भैया उसका 100 था ना, और वो वस्तु 108 में बेच दी, 100 की वस्तु 108 में बेच दी, लाभ परसेंट कितना हो गया, लाभ परसेंट बराबर 108 माइनस के 100, 8% भैया लाभ उसने प्राप्त कर लिया। ओके चलिए भैया, ये भी यूपी कंट्रोल 2013 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। ओके, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर, यदि वह अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेच दे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये आपसे उसने पूछा है। तो देखिए अंकित मूल्य सॉरी सीपी का जो है 3/4 उसने अंकित किया है, ठीक है भैया, इसको रफ करते हैं। सीपी का 3/4 उसने अंकित मूल्य डाला है। चलिए भैया तो आप यहां सीपी 100 रुपए मान लीजिए, सीपी कितना मान लीजिए 100 मान लीजिए, ठीक है। तो इसका 3/4 क्या है, अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 100 × 3/4 भाई कितना हो जाएगा, ये 75, कितना 75 रुपए हो गया। अब उसने आपसे क्या कहा है, विक्रय मूल्य यदि अंकित मूल्य पर उसे 40% का लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे, यानी अंकित मूल्य पर 40% का लाभ लेता है, तो ये अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेगा, पर अंकित मूल्य उसने कितना निर्धारित कर दिया है, 75 रुपए निर्धारित कर दिया है, तो इसके 40% पर बेच रहा है, 40% लाभ लेकर बेच रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा भैया 75 × 40% लाभ है, तो 100 + 40 यानी कि 140 अपॉन 100, 25 से ये 4 और 25 से ये 3 बार, ओके। तो 4 से इसमें भाग देंगे भैया आप, 4 × 3 = 12 हुआ, 2 × 4 = 20 और 35 × 3 करने पर कितना हुआ 105 हुआ, यानी कि उसने उस वस्तु को 105 रुपए में बेच दिया, कितने बेच दिया 105 रुपए बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंट की ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट तो भैया 100 रुपए की खरीदी थी और 105 में उसने बेच दी, इस तरीके से 105 रुपए में उसने बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, लाभ परसेंट बराबर 105 माइनस के 100 यानी कि 5% का लाभ हुआ गया, कितना 5% लाभ हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था, एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, 1800 रुपए था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूटें दी गई, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए भैया। तो अंकित मूल्य कितना बता रहा है भैया, वो 1800 रुपए, कितना बता रहा है 1800 रुपए बता रहा है, और इस पर दो क्रमिक डिस्काउंट दे रखा है, कितने डिस्काउंट दे रखा भैया 10% और 15% का डिस्काउंट दे रखा है, कितना 20% और 15% भैया, 20% और 15% दो डिस्काउंट दे रखे। चलिए तो देखिए यानी कि 1800 रुपए अंकित मूल्य और इस पर उसने दो डिस्काउंट दिए भैया, दो डिस्काउंट दिए। तो देखिए पहला डिस्काउंट जब आप देंगे तो ये डिस्काउंट जो आप देंगे तो कितना हो जाएगा 100 - 20/100, ओके भैया 20% डिस्काउंट दे दिया। दूसरा देखेंगे 15% का है तो 100 माइनस
15 अपॉन के 100। ओके तो देखिए भैया ये क्या हो जाएगा 1800 इंटू 100 से 20 जाएगा तो 80 अपॉन के 100। और ये भैया 100 से 15 माइनस करेंगे तो 86 अपॉन के 100 ये हो गया भैया। ठीक है चलिए सॉल्व कर लीजिए तो इसको भैया 100 से ये 100 कैंसिल और इस एक जीरो से आपकी एक जीरो ये कैंसिल। ठीक है भैया अब देखिए 18 इंटू 85 इंटू के 8 आपको करना है। ठीक है 18 इंटू 8 इंटू 85 और इसमें भी भाग कितने देना हमें 10 से भाग देना है तो ये कितना हो जाए भैया 12,240 डिवाइड बाई 10 करेंगे डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1224 रुपए। ये क्या पूछा था उसने आपसे उसने क्या पूछा था कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1224 रुपए। ठीक है ये हमारा आंसर होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे चलिए भैया क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है भैया एक खिलौने का अंकित मूल्य देखिए ये 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था इस पर सिलसिलेवार दो छूटें 20% और 15% की दी गई तो उसका बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया है वैसा ही क्वेश्चन है तो आप लोगों को कोशिश रहेगी कि आंसर इसका आप लोगों के द्वारा आना चाहिए। तो देखिए भैया एमआरपी कितना बता रहा है वो 2100 रुपए एमआरपी है और दो उसने इसमें क्रमिक छूटे दे रखी कितने परसेंट की भैया 20% और 15% तो जब आप पहली छूट देंगे तो 100 माइनस के 20 कर दीजिए पहली छूट देंगे 100 माइनस के 20 सीधा 80 लिख दे 80 अपॉन के 100 इसके बाद भैया कितने परसेंट छूट है 15% तो 100 माइनस के 15 कर दे कितना हो जाए भैया 85 अपॉन के 100। ठीक है भैया तो कैलकुलेट कर लीजिए इस 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ओके और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी तो आपको क्या करना है 21 × 8 इंटू के 85 डिवाइड में कितना भैया 10 है डिवाइड में कितना है 10 है तो ये हो जाएगा आपका 1428 रुपए। कितना हो जाए भैया 1428 रुपए हो जाएगा। ओके सेम क्वेश्चन था जो पहले कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते भैया एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपए था कितना था भैया 1470 रुपए था ये 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी कॉन्स्टेबल एक खिलौने का रियायती मूल्य भैया 1470 रुपए था यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य बताइए यानी कि यहां आपको रियायती मूल्य दे रखा है यानी 16% छूट देने के बाद उसका जो मूल्य वो आपको दिया है तो आपसे अंकित मूल्य पूछा है। क्या पूछा भैया आपसे अंकित मूल्य पूछा है यानी एमआरपी पूछा है और आपको छूट के बाद जो मूल रेट है वो कितना है आपका 1470 रुपए है तो देखिए भैया 1470 रुपए और ये कितने परसेंट की छूट के साथ है 16% की छूट के साथ है कितना 16% की छूट के साथ है तो इसका मतलब ये कितने परसेंट वैल्यू है 100 माइनस के 16 यानी कि 84% की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे एमआरपी पूछा है तो एमआरपी जब आप निकालेंगे चलिए अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बना देते हैं। ठीक है एमआरपी बराबर उसने कितने बेचा भैया 1470 रुपए बेच दिया तो उसको क्या कहेंगे हम एसपी कहेंगे एसपी इंटू
100 अपॉन के 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके चलिए भैया, तो एसपी कितना दिया है 1470 रुपए, तो 1470 इंटू के 100 अपॉन 100 माइनस के डिस्काउंट, तो 100 और डिस्काउंट कितने परसेंट था भैया, 16% था माइनस के 16, तो ये क्या हो जाए भैया 1470 इंटू के 100 अपॉन के इतना हो गया, ठीक है। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इससे इसको काटेंगे तो ये 17.5 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना 17.5 बार, और 17.5 का मल्टीपल 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1750 रुपये, कितना जो भैया 1750 रुपये हो गया उसका क्या एमआरपी, कितना 1750। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भैया, ये क्या कहता है, यानी 750 रुपए अंकित कीमत वाली एक पतलून, ये भैया 2018 बॉन्डिंग शिफ्ट में पूछा गया है, 750 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पतलून छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई, तो इसमें कितने परसेंट छूट दी गई, तो देखिए उसका अंकित मूल्य दे रखा है आपको 750 रुपए, कितना दे रखा है 750 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया 660 रुपए दे रखा है, 660 रुपए, तो आपसे पूछा गया है कि 750 अंकित मूल्य की वस्तु 660 में बेच दी गई तो डिस्काउंट कितना रहा, ठीक है भैया डिस्काउंट आपसे पूछा है, तो देखिए यहां रुपए में कितने रुपए की छूट दे दी भैया, रुपए में कितने रुपए की छूट दे दी, तो आप 750 से 660 को माइनस करेंगे, यानी 90 रुपए की छूट दे दी, कितने 90 रुपए की छूट दे दी, और ये 90 रुपए की जो छूट है, 90 रुपए का जो डिस्काउंट है वो एमआरपी मूल्य पर दिया गया है, और एमआरपी कितना है आपका 750 है, तो ये कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट परसेंट बराबर 750 पर दी गई है, 750 पर दिया गया 90 रुपए छूट, तो 90 अपॉन के 750 इंटू के 100, ओके इंटू के 100, तो देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ओके या 25 से सीधा काट देते हैं, ये 25 से ये जो 4 बार और ये 25 से 30 बार, ओके भैया 25 से 104 बार कर दिया और 25 से ये 30 बार, अब 30 से जब आप भाग देंगे 90 में तो ये 3 बार, और देखिए 3 इंटू 4 कितना 12, यानी कि 12% का डिस्काउंट दिया गया इस तरीके से, कितने परसेंट का 12% का डिस्काउंट दिया गया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चलिए ये भैया यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपए में खरीदा गया, कितने में खरीदा गया भैया 15,400 रुपए में खरीदा गया, तो एसपी कितना है 15,400 रुपए है, इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित किया गया, इसके मूल्य को भी कितना अधिक किया गया 30% अधिक अंकित किया गया, 30% अधिक, तो जब इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित करेंगे तो एमआरपी कितना हो जाएगा भैया 15,400 इंटू 30% अधिक, तो 100 प्लस के 30 यानी कि 130 डिवाइड 100, तो कितना हो जाएगा भैया ये दोनों जीरो से ये काट दिया हमने, 13 इंटू 154 कीजिए यानी कि 0 13 चौके 52 के लिए 2 कैरी 5 हो गया, 13 पंजे 65, 65 और 70 के लिए 0 कैरी 7 हो गया, 13 इंटू 1 13, 13 और 7 20, यानी कि 20,000 20 रुपए की होगी भैया, कितने की होगी
30 पर अधिक अंकित किया गया है, इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है भैया, इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपसे पूछा गया भैया। अब इस मूल्य पर उसने डिस्काउंट कितना दे दिया, 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो 15% डिस्काउंट पर ये बेच दी गई, 15% डिस्काउंट पर ये बेच दी गई, तो ये 15% डिस्काउंट पर जब हम बेचेंगे तो ये कितने में बेचेगी ये आपको देखना है, ठीक है। तो आप इस पर 15% डिस्काउंट कर दीजिए, तो इस पर 15% का डिस्काउंट देंगे तो ये 100 माइनस के 15 कितना हो जाएगा, 85 डिवाइड बाय 100, तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, अब मल्टीपल कर लीजिए 85 इंटू जो हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 170, और 170 के लिए 0 कैरी कितना हो गया भैया, 17 आपके कैरी होंगे, लेकिन यहां दोनों क्या है शून्य है तो 17 ही आ जाएगा, ठीक है। 85 इंटू 2 करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 170, 170 इसमें भाग दे रहे कितने से हम 10 से, तो कितना हो जाएगा ये 70,070 रुपये हो गया, 70,070 रुपये हो गया, ठीक है। और उसने आगे आपसे क्या बोला है, आगे आपसे क्या बोला है, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना था, तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना था, तो वो देखिए 15,400 रुपये भैया वो उसने ली थी और 17,070 रुपये में उसने बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो भैया आप क्या करेंगे, लाभ परसेंट बराबर 17,017 माइनस 15,400 ओके इनटू के 100 इनटू के 100 और अपॉन में क्या आएगा भैया, किसी पे तो लाभ हुआ है ना, 15,400 पे लाभ हुआ है, तो अपॉन के 15,400 तो देखिए ये कितना बचेगा, 1617 इंटू के 100 अपॉन के 15,400, इससे देखिए ये खत्म, और इससे हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10.5%, कितना भैया 10.5% का लाभ मिलेगा। एक बार फिर से देखेंगे, यानी कि 15,400 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा था, ठीक है, यानी कि 15,400 रुपये में वस्तु को खरीदा था, जिसको 30% अंकित मूल्य बढ़ा करके डाला है, अंकित मूल्य 30% अधिक किया है, तो 30% जब बढ़ा के एमआरपी डाल दिया तो कितना हो गया एमआरपी 17,070 रुपये का हो गया, ठीक है, और इसी मूल्य पर वो उसको बेच देता है, तो आपसे लाभ परसेंट उसने पूछा है। तो भैया इतने की वस्तु थी और इतने रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ ले लिया, 1617 रुपये का लाभ उसने ले लिया। अब कह रहा है कि कितना परसेंट है उसके यानी कि खरीद मूल्य का कितना परसेंट है, तो 1617 डिवाइड बाई 15,400 इंटू 100 कितना हो गया 10.5% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है, कितना भैया एक दुकानदार वस्तु का मूल्य जो है 80 रुपये अंकित करता है, शायद क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है, 80 रुपये अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 कमी छूट देकर बेचे, कितने परसेंट भैया 5% की 2 कमी छूट देकर बेचे, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो देखिए 80 रुपये उसने मूल्य निर्धारित किया है, ठीक है, कितना निर्धारित किया है 80 रुपये उसने एमआरपी निर्धारित किया है, और डिस्काउंट कितने दे रखे भैया 5% के 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, 5% के 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, तो आपसे क्या पूछा है बिक्री मूल्य पूछा है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखिए 80 इंटू 5% का डिस्काउंट, यानी कि 100 माइनस के 5 कितना हो भैया 95 हो जाएगा, इंटू दूसरा भी इतना ही है भैया, ठीक है, तो अपॉन के 100 इसके लिए और 100 इसके लिए, ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, ये जो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी भैया आपके, और ये 95 इंटू 95 करेंगे भैया तो ये 25 और ये 9025 ही हो गया, इसमें आपको 8 से मल्टीपल करना है, 8 से मल्टीपल करना और 100 से भाग देना है, तो देखिए कितना हो जाएगा 8 5 40 के लिए 0 कैरी 4 हो गया,
आठ दूनी 16, 16 और 4 20, तो 20 के लिए 20 ही आ जाएगा भैया, 8 इंटू 9 72, और इसमें आप भाग दें कितने से, 100 से भी, एक यूरो थी यानी 1000 से भाग देना था क्योंकि यहाँ एक यूरो ही कटी थी, तो इससे कितना हो जाएगा ये 72.2 रुपये, कितना 72.2 रुपये की उसने वस्तु को बेच दिया। ओके भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी, कितने 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ, बिक्री पर 10% का लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए भैया तो देखिए एमआरपी कितना बताया उसने, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एमआरपी कितना दिया भैया आपको 825 रुपये, एमआरपी कितना है 825 रुपये, और डिस्काउंट कितना है आपका 20% का डिस्काउंट है, और 20% का भैया डिस्काउंट देकर भी, 20% का डिस्काउंट देकर भी उसको लाभ हुआ है, कितने परसेंट का, 10% का लाभ हुआ भैया, कितना लाभ हुआ है 10% का लाभ हुआ, तो सीपी ज्ञात कीजिए भैया। तो देखिए यहां जब आप सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर एमआरपी, ठीक है भैया, एमआरपी और इनटू 100 माइनस के डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस के लाभ परसेंट भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन भैया एक बार फिर समझ लीजिए, वस्तु को 825 रुपये एमआरपी डाला है और डिस्काउंट कितना दिया है 20% का डिस्काउंट दिया भैया, तो देखिए 825 इंटू 20% डिस्काउंट है, तो 100 माइनस के 20 कर दीजिए कितना हो जाएगा 80, और इसमें भी भैया उसने क्या लिया है 10% का लाभ लिया है, तो 100 प्लस के 10 कर दीजिए कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आप इसमें भाग दीजिए 11 से, तो 11 से 7 भाग दिया तो 77 हो गया भैया, कितना हो जाएगा 5, और इसके पीछे ये 5 ले लीजिए 55 हो गया, 11 5 55, और आप कर दीजिए 75 × 8, 8 5 40 के लिए 0, कैरी 4 हो गया, 8 7 56 और 4 600, यानी कि भैया उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था 600 रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में 600 रुपए में खरीदा था, एक बार फिर से समझेंगे। ओके देखिए एमआरपी कितना भी किसी वस्तु का 825 रुपये, जिस पर वो 20% की छूट देता है, कस्टमर को 20% छूट देता है, और 20% की छूट देने के बाद स्वयं 10% का लाभ लेता है, तो बताइए वस्तु की लागत मूल्य क्या थी, वस्तु की लागत मूल्य क्या थी, तो ये फॉर्मूला हमने उसके लिए ये ट्रिक यूज की है, यानी कि सीपी बराबर क्या होगा एमआरपी इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट, ओके अपॉन के 100 प्लस के लाभ परसेंट, 100 प्लस के लाभ परसेंट, ओके। तो इस प्रकार से कितना आया वस्तु का सीपी 600 रुपये आया, कितना आया 600 रुपये आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भैया, एक वस्तु की लागत 800 रुपये है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और 12.5% की लाभ प्राप्त किया हुआ है उसने, 12.5% लाभ भी प्राप्त किया है, तो आपसे पूछा गया है वस्तु का तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना था, यानी कि उसके आपसे एमआरपी पूछा गया, क्या पूछा भैया एमआरपी पूछा है, लागत मूल्य कितना बताया भैया 800 रुपये बताया है, तो देखिए लागत मूल्य कितना भैया 800 रुपये है, ओके, और डिस्काउंट कितना है 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, और 10% डिस्काउंट देने के बाद भी
उसने लाभ कितना लिया भैया, उसने लाभ कितना लिया है 12.5% का लाभ लिया है, 12.5% का लाभ लिया है। तो देखिए यहां आपसे एमआरपी पूछा है, क्या पूछा है, यहां आपसे एमआरपी पूछा है। तो देखिए भैया जब आप एमआरपी याद करेंगे तो एमआरपी क्या होगा, एमआरपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस के लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, ये होगा भैया। तो देखिए सीपी कितना है 800, उसे लाभ कितना चाहिए या लाभ कितना मिला है उसने 12.5 का लिया है, तो 100 प्लस के 12.5 कितना हो जाएगा 112.5 अपॉन कितना भैया डिस्काउंट दिया 10%, 100 में से 10 जाएगा तो 90। फिर इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो यहां जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इन दो जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से आप इसमें भाग दे दीजिए, 9 से आप इसमें भाग दे दीजिए, तो 9 से एक बार गया कितना बचेंगे 2 और 2 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18 कितना होता है 4 और ये 9 5 45 यानी 125 बार ये कट गया, 125 इंटू 8 कर देंगे तो कितना हो जाए भैया 1000 रुपये उसका मूल्य हो जाएगा भैया, यही हमारा आंसर होगा, कितना एमआरपी कितना होगा उसका 1000 रुपये होगा। तो भैया आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि हमारा ये परिवार है धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ चले। ओके, धन्यवाद।